हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लाए हैं जो कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आप अपने खुद के घर पे इसको बना सकते हैं, वो भी आर्डिनो की मदद से ये प्रिंटिंग होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले भी मैंने दिखाया आपको किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। द स्पॉन्सर ऑफ वीडियो JLC PCB। नया PCB के लिए गर्बर फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB के लिए JLC PCB। तो सबसे पहले ये जो हेड देख रहे हैं, इस हेड को हम लोग किस प्रकार से काम लगा सकते हैं, इसके लिए इसका जो बेसिक है इसको जानना होगा। तो इसका बेसिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पिन दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा छोटा पिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये पिन बहुत सारे पिन है, मतलब इस पर 9 पिन है, और ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन के माध्यम से हम लोग इस पर वोल्टेज देंगे 12 वोल्ट। देने के बाद ये पिन एक एक करके ऊपर आएगा, तो जो भी पिन आएगा उस पर ही जो कि अक्षर इसमें बिठाई देगा। तो अभी हम लोग दिखाते हैं 12 वोल्ट इसमें इनपुट करके इस पर आएगा। तो देखा आपने, ये पिन अप एंड डाउन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टेज को अलग अलग वोल्टेज देके 12 वोल्ट अलग अलग पिन पे देंगे तो अलग अलग पिन इस पर अप एंड डाउन करेगा। इस प्रकार से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। तो इसके मदद से आसानी से हम लोग जो कि कोई भी टाइप हम लोग इस पर कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये मैकेनिकल चीज हमने बना दिया अभी। तो इस पर एक सर्वो मोटर लगाया है और एक हेड लगाया है, जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं उसके हेड को हमने इस पे लगाया है, और इसका कनेक्शन सभी पे हमने लगाया है। इसका पिन जो है वो 9 पिन वाला है, तो 9 पिन से ये डॉट करेगा और इस पर जो कि पेपर पे नाम आएगा। तो अभी चलिए इसका सर्किट डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद इस सर्किट को यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे ये स्टार्ट करके। तो चलिए सर्किट को बनाते हैं। Thank you.
तो देखा आपने किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।